दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो आज की पहली खबर में देखिए, वर्दी की चार रखने वालों के लिए सुनहरा अवसर, 1 से 2 महीनों में होगी 62,000 पदों पर भर्ती। जी हां देखिए दोस्तों, वर्दी का शौक रखने वाले युवाओं के लिए बिहार सरकार सुनहरा अवसर प्रदान करने जा रही है। बिहार सरकार की तरफ से राज्य पुलिस में 1 या 2 हजार नहीं बल्कि 62,000 पदों पर बहाली की तैयारी अंतिम चरण में है। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से अगले 1 से 2 माह के अंदर सिपाही के करीब 6500 रिक्त पदों से बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। वहीं बाकी के 55,000 से अधिक पदों पर यह चरणवार की जाएगी। वहीं देखिए जल्द ही नए पदों के सृजन का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले ही सिपाही की बहाली को लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से जिला और इकाइयों से सिपाही के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई थी, जिसके बाद यह आंकड़ा मुख्यालय को प्राप्त हो चुका है। वहीं देखिए बिहार पुलिस में वर्तमान में स्वीकृत सिपाही के पद में से करीब 6500 पद रिक्त है। इसके बाद अब पुलिस मुख्यालय रोस्टर क्लियरेंस में जुट गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी महीने या अगले महीने तक हर हाल में सिपाही के इन पदों पर बहाली की अधियाचना केंद्रीय चयन परिषद को भेज दी जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, निजी नलकूप के लिए 30,000 किसानों को अनुदान देगी बिहार सरकार। यह देखिए राज्य के 30,000 किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिए 50 से 80% तक अनुदान मिलेगा। इसके लिए 210 करोड़ रुपए का अनुदान प्रस्तावित किया गया है। वहीं देखिए अनुदान आधारित निजी नलकूप योजना के लिए मंजूरी के लिए लघु जल संसाधन विभाग जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव भेजेगा। इसके बाद विस्तृत दिशा निर्देश बनाकर किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि नलकूप लगाने को लेकर जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग और ऊर्जा विभाग ने संयुक्त रूप से सर्वे कर पंचायत और जगह चिन्हित किया है। तैयार प्रस्ताव के अनुसार एक नलकूप लगाने में अधिकतम 84,600 रुपए की लागत आएगी। इस योजना के तहत सामान्य को 50%, पिछड़ा व अधि पिछड़ा को 70% और अनुसूचित जाति व जनजाति को 80% अनुदान मिलेगा। देखिए बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नई पहल, दिन में 2 बार मिलेगी ओपीडी सेवा। जी देखिए बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और जिला अस्पतालों में अब दिन में 2 बार ओपीडी सेवा मिलेगी। सुबह 9 बजे से 2 बजे और दोपहर 4 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों के लिए ओपीडी चलाया जाएगा। इसके लिए मरीजों का निबंधन ओपीडी के आधे घंटे पहले शुरू होगा और आधे घंटे पहले बंद होगा। ओपीडी का समय गर्मी और सर्दी में बदल जाएगा। वहीं देखिए भारतीय मरीजों के इलाज को लेकर चिकित्सकों का मॉर्निंग और इवनिंग राउंड भी होगा। मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल में चिकित्सकों का राउंड सुबह 8:30 से 9 बजे तक तथा शाम 5:30 से 6 बजे तक होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। में देखिए बिहार में अब ऑनलाइन मिलेंगे जमीन से जुड़े दस्तावेज, शुरू हुआ 1995 से पहले के दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन। जहाँ देखिए बिहार के निबंधन कार्यालय में रखे दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन की पुनः शुरुआत हो गई है। वर्ष 1995 से लेकर अब तक के दस्तावेजों को स्कैन कर डिजिटाइज वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब 1995 से लेकर 1791 यानी करीब 200 वर्षों के दस्तावेजों की स्कैनिंग शुरू की गई है। चयनित एजेंसी ने 38 में से 31 जिलों में काम शुरू कर दिया है। दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन के पश्चात जहां आम लोगों को पुराने दस्तावेजों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में सुविधा होगी, वहीं लोग खुद भी bhoomijankari.com पर खाता खेसरा 3rd नंबर डालकर अपने दस्तावेज की कॉपी देख सकेंगे। में देखिए बिहार आने वाले पर्यटकों को मिलेगा एक और रोपे वे। जहानाबाद के वानावार में पहाड़ तोड़कर किया जा रहा है निर्माण। यह देखिए जहानाबाद जिले के ऐतिहासिक मगध का हिमालय नाम से मशहूर मखदुमपुर प्रखंड का वानावार पहाड़ पर लंबे अरसे के बाद रोपे निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। पहाड़ी इलाके के हथिया बोर में निर्माण कंपनी के द्वारा कैंप कार्यालय खोला गया है। साथ ही पहाड़ी इलाके में लगे जंगल की सफाई किया गया है। पहाड़ी इलाके में निर्माण कंपनी के मजदूर के द्वारा जगह जगह पर पहाड़ को तोड़कर पिलिंग किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वानावार पहाड़ पर रोपवे निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 16 नवंबर 2016 को कैबिनेट की बैठक में निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान किया था। बड़ी खबर में देखिए, गया मुजफ्फरपुर और मोतिहारी स्टेशन को बनाया जाएगा आधुनिक और सुंदर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा। जहाँ देखिए देश के विभिन्न शहरों के स्टेशन को यात्री सुविधा के लिहाज से बेहतर बनाने के लिए रेल मंत्रालय स्टेशनों को पुनर्विकास किया जा रहा है। इसके लिए तकनीकी आर्थिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाती है। पहले चरण में रेल मंत्रालय द्वारा 43 स्टेशनों का पुनर्विकास का काम चल रहा है और अब मंत्रालय ने अन्य 57 स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए चयन किया है। इसमें बिहार का गया, बापूधाम, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर स्टेशन शामिल है। स्टेशनों के आधुनिकीकरण और बेहतर सुविधाओं से लैस करने का काम लगातार चल रहा है। इस मद में आवंटन जोनल आधार पर किया जाता है।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 2 फरवरी से होगा एसटेट के लिए आवेदन, इस तारीख को होगी परीक्षा। जहाँ देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटेट 2023 की तिथि जारी कर दी है। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि एसटेट का आयोजन 6 से 24 अप्रैल 2023 तक किया जाएगा। वहीं देखिए परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। एसटेट में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी, 14 फरवरी तक कर सकते हैं। वही एसटेट का एडमिट कार्ड 24 मार्च को जारी कर दिया जाएगा। वही परीक्षा के बाद आंसर की पर 2 से 5 मई 2023 तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। वही परीक्षा फल जून 2023 में किसी भी दिन जारी कर दिया जाएगा। वही देखिए आनंद किशोर ने कहा कि आवेदन करने की अंतिम तिथि या लेट फाइन के साथ आवेदन करने की तिथि समिति अपने अनुसार बढ़ा भी सकती है, लेकिन तिथि विस्तार करने का फैसला समिति सभी परिस्थितियों को देख कर करेगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के इस जिले में ड्राइविंग टेस्ट अब मोबाइल ऐप के जरिए लिया जाएगा। परिवहन विभाग ने नियम में किया बड़ा बदलाव। यह देखिए मुजफ्फरपुर जिले में अब वाहन चालकों को ड्राइविंग टेस्ट अब जिला पुलिस लाइन में नहीं होगी, बल्कि यह टेस्ट बेला में होगा। अगले सप्ताह से इसे चालू कराने को लेकर परिवहन विभाग के विषय में DTO व MUI को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही देखिए इसमें बताया गया कि नियम कानून में कई तरह के संशोधन हुए हैं, इसे अपडेट करते हुए इसे लागू करना है, इसके लिए अभी से तैयारी शुरू करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ड्राइविंग टेस्ट के साथ ही फिटनेस भी मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। इसको लेकर विभागीय स्तर पर ट्रायल चल रहा है, जल्द यह सेवा भी लागू होगी। अभी इस नियम के संशोधन के पीछे विभाग के उद्देश्य परिवहन विभाग के कार्य को पारदर्शी बनाते हुए सख्त करना है। ऐप के माध्यम से फिटनेस देने पर गाड़ी की किस समय कहां पर कैसे जांच हो रही है, पूरा जानकारी इसमें अपडेट होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि देश के किसी भी कोने से इस ऐप के जरिए आप जाँच करवा सकते हैं। घर में देखिए, 4 राज्यों को जोड़ेगा हरा भरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, बिहार में जल्द निर्माण कार्य। जहाँ देखिए वाराणसी रांची कोलकाता 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का बिहार में जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले से गुजरेगा। बिहार में एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के 162.3 किलोमीटर हिस्से का निर्माण होना है। वहीं 22.4 किलोमीटर तक निर्माण उत्तर प्रदेश में होगा, जबकि 22.4 किलोमीटर से सड़क बिहार के कैमूर जिले में प्रवेश कर जाएगी। वहीं देखिए राज्य में रोहतास, औरंगाबाद और गया होते हुए सड़क 184.7 किलोमीटर से झारखंड में प्रवेश करेगी। वहीं अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होगा। मुगलसराय के बाद बिहार के भभुआ, कैमूर, रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद, गया जिले से होकर सड़क गुजरेगी। वहीं झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, हुगली होकर सड़क हावड़ा तक जाएगी। देखिए बिहार में अब मनमाने तरीके से लोग नहीं करा सकेंगे बोरिंग, इस विभाग से लेना होगा NOC। यह देखिए राज्य में बारिश खत्म होते ही हर वर्ष भूजल का स्तर गिरने लगता है और गर्मी में सरकारी चापाकल एवं निजी बोरिंग तक पानी छोड़ने लगते हैं। वहीं देखिए राज्य सरकार के स्तर पर हाल ही में हुए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जिलों से मिली हर रिपोर्ट की गहन समीक्षा के बाद एक बेहद अहम निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद अब धड़ल्ले से हो रहे निजी बोरिंग पर अंकुश लगाया जाएगा। वहीं पुराने सभी बोरिंग की गिनती की जाएगी। इस काम को लघु जल संसाधन विभाग, कृषि PhD और पंचायती राज विभाग मिलकर करेंगे। वहीं देखिए सर्वे के दौरान PhD अधिकारी निजी, सरकारी और कृषि बोरिंग की गिनती भी करेंगे, ताकि पानी की उपलब्धता और उसकी खपत की रिपोर्ट तैयार करेंगे। वहीं बोरिंग के लिए पानी का उपयोग करने में किस तरह की कार्रवाई होती है, इसको लेकर भी रिपोर्ट तैयार होगा। इस काम को करने के लिए शहरी क्षेत्र में नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया को जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं निजी बोरिंग करने के लिए NOC भी लेना होगा और इस संबंध में निगरानी की जिम्मेदारी सभी DM को सौंपी जाएगी। वहीं देखिए अधिकारियों के मुताबिक पहले चरण में जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई, नालंदा, पटना, दरभंगा में वाटर मैकिंग की जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है और इन इलाकों में तकनीक से सभी पानी की जाँच होगी। खबर में देखिए, स्टेशन पर अब नहीं करना होगा इंतजार, अब 20 किलोमीटर दूर से बुक कर सकेंगे जनरल रेल टिकट, पटना जंक्शन पर शुरू हुई सुविधा। जहाँ देखिए बिहार में रेल से सफर करने वाले यात्रियों को अब पहले से अधिक सुविधा मिलने जा रही है। अब रेल यात्रियों को जनरल टिकट लेने के लिए घंटों लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब राज्य के रेल यात्रियों को रेलवे मंत्रालय के निर्देश पर दानापुर मंडल ने UTS ऐप से अनारक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए तय की गई दूरी को बढ़ा दिया गया है। दरअसल अब जनरल टिकट लेकर सफर करने वाले यात्री अब अपने मोबाइल के के जरिए यात्रा शुरू करने से पहले स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर से ही टिकट बुक करा सकेंगे। हालांकि इससे पहले भी रेल यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन उसमें यह सुविधा ऐप पर 5 किलोमीटर के दायरे में ही मिल पाती थी। इस सुविधा का लाभ मिलना शुरू हो गया है। रेलवे मंत्रालय के निर्देश पर पूर्व मध्य रेलवे में इसकी शुरुआत कर दी गई है।
कार्यक्रम में देखिए बिहार में 77,000 शिक्षकों की नौकरी से निकालेगी नीतीश सरकार, इस कारण बर्खास्त होंगे टीचर, ऊपर से केस भी होगा। याद कि बिहार में सरकारी स्कूलों में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित 77,057 शिक्षकों को बर्खास्त किया जाएगा, साथ ही इन शिक्षकों पर FIR भी दर्ज होगा। वही देखिये सरकारी स्कूलों में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बहाल होने वाले शिक्षकों पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पटना हाईकोर्ट के आदेश पर निगरानी ब्यूरो ने शिक्षक के विरोध FIR दर्ज करने की अनुमति मांगी है। दरअसल शिक्षकों से कई बार प्रमाण पत्र मांगे गए लेकिन शिक्षक उन्हें उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। जांच के लिए निगरानी विभाग को 77,057 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर नहीं मिले हैं। विभाग ने योग्यता सूची के आधार पर शिक्षकों के अंक पत्र की जाँच करने का आदेश दिया है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में नए साल से ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप होगा जरूरी, 4 साल में मिलेगी डिग्री। याद रखिए राज्य में नए साल से स्टूडेंट को किताबी ज्ञान के साथ अनुभव और सीखने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए अंडर ग्रेजुएट में सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए समर टर्म के दौरान 4 क्रेडिट वर्क प्राप्त करना होगा। लर्निंग आधारित इंटर्नशिप से गुजरना होगा। 2 सेमेस्टर के बाद स्टूडेंट इंटर्नशिप कर सकते हैं। UGC ने यह बदलाव नीति नई शिक्षा नीति के तहत किया है। UGC ने 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, इसे लागू कर दिया गया है। सभी यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार को इसे भेज दिया गया है। नए नियमों के ड्राफ्ट के अनुसार ग्रेजुएट कोर्स में अब इंटर्नशिप भी जरूरी होगी। बड़ी खबर में देखिए राज्य में स्टेशन और बस टर्मिनल के बीच जनवरी से चलेंगे रिजर्व ऑटो, 24 घंटे मिलेगी सुविधा। याद रखिए पटना जंक्शन, दानापुर स्टेशन, पाटलिपुत्र जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल और पटना साहिब स्टेशन से बरैया स्थित पाटलिपुत्र अंतरराज्यीय बस टर्मिनल जाने के लिए 24 घंटे ऑटो रिजर्व की सुविधा मिलेगी। देखिए यात्रियों को सस्ते दर पर जनवरी के पहले सप्ताह से इसकी सुविधा मिलने लगेगी। अभी यात्रियों को रात में रेलवे स्टेशन से बस टर्मिनल के लिए ऑटो नहीं मिलता है, मिलता भी है तो चालक मनमाना किराया वसूलते हैं। लेकिन अब यात्रियों को सुविधा होगी, हर स्टेशन पर 15 ऑटो रहेंगे। कुल 75 रिजर्व ऑटो को परिचालन किया जाएगा जिसमें से 100 से 300 रुपए तक किराया लगेगा। अभी चालक रात में मनमाना किराया लेते हैं। दानापुर से बरैया बस टर्मिनल जाने पर 700 से 800 रुपए तक लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।